आज का जो अपना टॉपिक है वो सीआरपीसी से है, डिफरेंस बिटवीन द बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस है जिसमें बेल मिल सकती है और वो कौन कौन से ऑफेंसेस है जिसमें बेल नहीं मिल सकती। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ जो लॉ के स्टूडेंट को पता ही होनी चाहिए। अगर आप इन चीजों में डिफरेंस नहीं कर पाते तो आपको सीआरपीसी के कोई भी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस टॉपिक से पहले एक बेसिक जो चीज है कि लॉ कितने टाइप्स के होते हैं, जनरल क्वेश्चन है, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सब्सटेंटिव लॉ और सेकंड है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ, जो सब्सटेंटिव लॉ है वो क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल जैसे सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं कि जो सब्सटेंटिव लॉ है इसके अंदर पर्संस के राइट्स एंड लायबिलिटी को डिफाइन कर दिया जाता है, राइट एंड लायबिलिटी को, कि व्यक्ति के क्या तो राइट्स हैं और क्या लायबिलिटी है। वो जो सभी चीजें डिफाइन होती है वो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर होती है। सब्सटेंटिव लॉ के जब मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि कौन कौन से एक्ट हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होंगे, तो जैसे कि फर्स्ट से कि मैं बात करता हूं कि आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन पीनल कोड 1860, इंडियन पीनल कोड जो है आईपीसी जो है वो किसने लिखी है, मैकाले ने। ये क्वेश्चन भी आया था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा था कि आईपीसी किसने लिखी है, एक क्वेश्चन तो ये था। वही दूसरा क्वेश्चन था कि आईपीसी कौन से सन की है, कब लिखी गई थी, तो 1860। तो इस टाइप से यहां पर दो क्वेश्चन हो गए थे जीएस के। तो मैं सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहा था, तो सब्सटेंटिव लॉ के अंदर राइट एंड लायबिलिटी डिफाइन होती है। वहीं इसका एग्जांपल हो, एक तो हो गया आईपीसी, सेकंड जब मैं एग्जांपल देने की बात करता हूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कि जब दो व्यक्ति के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कौन से एक्ट को फॉलो करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 को फॉलो करेंगे कि दो पार्टी होनी चाहिए, प्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये सब जब व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारी जो कंडीशन थी ये फॉलो करनी होगी। वहीं जैसे कि आईपीसी के अंदर कि ये ऑफेंस है और इसकी ये सजा है, अगर आप ये क्राइम करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, दैट इज द सब्सटेंटिव लो। वही वही जब मैं प्रोसीजर लॉ की बात करता हूं कि जो राइट्स एंड लायबिलिटी गिवन थी सब्सटेंटिव लॉ के अंदर, उन राइट और लायबिलिटी को कैसे अचीव करेंगे कोर्ट के अंदर, कि उनका प्रोसेस क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, कि कैसे हम कोई भी राइट या लायबिलिटी को प्राप्त करेंगे। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर, कोई क्राइम कमिट कर दिया है, ठीक है, तो ट्रायल कैसे चलेंगे, कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर होगा कि व्यक्ति को, अक्यूज्ड को कैसे तक उसको सजा दिलाएं, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो वो जो सारा प्रोसेस है वो आएगा प्रोसीजर लॉ के अंदर। इसकी जब मैं बात करता हूं कि प्रोसीजर लॉ के जो एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट है सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973,
कोर्ट कोर्ट के जो कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसीजर चल रहा है, कोई भी ट्रायल चल रहा है, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो कहां पर गिवन है? सीआरपीसी के अंदर, द कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर। क्रिमिनल कोई ऑफेंस हुआ है, वही इसका जो सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है सीपीसी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर। अगर कोई सिविल मैटर है तो उसका प्रोसेस क्या चलेगा कोर्ट के अंदर, वो कहां पर गिवन है? सीपीसी के अंदर। वहीं मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करता हूं, तो ये एडजेक्टिव है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये है कि एविडेंस जो एक्ट है उसके अंदर कोकटेल है, जैसे कि मिक्स है, सब्सटेंटिव लॉ भी है, प्रोसीजर लॉ भी है, लेकिन सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर जो लॉ है उसकी मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू सब्सटेंटिव लॉ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट एक एडजेक्टिव है। ये था अपना एक बेसिक। अब अपने आज के मेन टॉपिक पे आते हैं हम। आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो है बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस मतलब किन ऑफेंस के अंदर आपको बेल मिल सकती है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मतलब किन केसेस के अंदर आपको बेल नहीं मिलेगी। तो इसका तो जो फर्स्ट है कि बेलेबल जो ऑफेंस है वो सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर गिवन है। वहीं जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करते हैं, तो ये भी 2A ऑफ सीआरपीसी सेक्शन 2A के अंदर, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऑफ सीआरपीसी के अंदर गिवन है। तो मतलब कि दोनों जो सेक्शन है 2A, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस 2A के अंदर डिफाइन है सीआरपीसी के। वहीं मैं सेकंड जो डिफरेंस की बात करता हूं, तो ये आप कह सकते हैं, ये तो देखो सेम हो गया। सेकंड की जो मैं बात करता हूं कि अगर पनिशमेंट, कोई ऑफेंस किया उसका पनिशमेंट 3 साल से कम है, तो वो जो ऑफेंस होगा वो बेलेबल ऑफेंस होगा। वहीं जब ऑफेंस जो हुआ है उस की जो पनिशमेंट है 3 साल या 3 साल से ज्यादा है, जैसे कि डेथ हो गई, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो गई, ठीक है, तो वो ऑफेंस क्या हो जाएगा? नॉन बेलेबल, कि उसमें बेल नहीं मिल सकती। वहीं जब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं बेलेबल ऑफेंस के अंदर, कि राइट है, बेलेबल ऑफेंस के अंदर अक्यूज्ड का राइट है बेल लेने का, इसके अंदर पुलिस और कोर्ट मना नहीं कर सकती बेल देने के लिए, उनको बेल देनी ही पड़ेगी, पुलिस और कोर्ट। वहीं जब मैं बात करता हूं नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, तो ये डिस्क्रिशन पावर है कि मे बेल दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। अगर हम जैसे एक नॉर्मल मैं एग्जांपल की बात करता हूं कि जो एक आम व्यक्ति है वो क्या सोचेगा कि बेलेबल ऑफेंस में तो ठीक है बेल मिल गई, लेकिन नॉन बेलेबल के अंदर उसे बेल नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर नॉन बेलेबल के अंदर डिस्क्रिशनरी पावर है किसकी? पुलिस की और कोर्ट की, कि वो बेल दे भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो ये था अपना थर्ड पॉइंट नॉन बेलेबल के अंदर। फोर्थ जो पॉइंट की बात करता हूं कि नो प्रोविजन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। अब एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है? तो एंटिसिपेटरी बेल ये है कि एडवांस में बेल ले लेना, मतलब अभी व्यक्ति को अरेस्ट भी नहीं किया गया है,
अभी एफआईआर भी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन व्यक्ति ने कोर्ट में जाकर बेल ले ली है। अब एंटिसिपेटरी जो बेल है वो या तो हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन सेशन के अंदर ले सकते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और व्यक्ति को पता है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कि इसके अंदर बेल इतनी इजी नहीं है मिलनी, मे बी कि बेल मिल भी सकती है नहीं मिल सकती, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि व्यक्ति कोर्ट ऑफ सेशन से या हाई कोर्ट से एडवांस में बेल ले लेगा। मान लो कोई उसे अरेस्ट करने आती है तो वो दिखा देगा अपने एंटिसिपेटरी बेल के डॉक्यूमेंट्स कि मेरे पास तो एंटिसिपेटरी बेल है, मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका कोई प्रोविजन नहीं है बेलेबल ऑफेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर बेलेबल ऑफेंस के अंदर तो राइट हो गया ना, अक्यूज्ड को तो बेल देनी ही पड़ेगी, यहां पर पुलिस या कोर्ट मना नहीं कर सकती, तो इसकी जरूरत ही नहीं है एंटिसिपेटरी बेल की बेलेबल ऑफेंस के अंदर। वहीं जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है उसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल हो सकती है। वहीं मैं फिफ्थ पॉइंट की जब बात करता हूं कि ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी इंडियन पीनल कोड, कि अगर आईपीसी के अंदर कोई ऑफेंस कमिट है उसके अंदर डिफाइन होता है कि ये व्यक्ति अगर ये पनिशमेंट करेगा तो उसको इतनी सजा मिलेगी, तो उसके अंदर पनिशमेंट डिफाइन है। मान लो व्यक्ति ने पनिशमेंट कोई ऑफेंस किया, उसकी जो पनिशमेंट थी 5 ईयर्स थी, तो इजी वे से वो बता सकता है कि वो बेल होगी या नहीं होगी। 3 साल से कम है तो बेल हो जाएगी और 3 साल से ज्यादा है तो बेल नहीं होगी। तो सेम प्रोसीजर है। वहीं अदर ऑफेंसेस ऑफ सीआईपी आईपीसी इंडियन पीनल कोड से जो भी अदर जो भी कोई एक्ट है जिसके अंदर पनिशमेंट दी गई है, तो वो भी हम देखेंगे कि उस ऑफेंस के अंदर बेल है या नहीं है। उसमें हम सजा से डिफाइन कर लेंगे, पनिशमेंट से हम डिफाइन कर लेंगे कि वो बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वहीं मैं लास्ट पॉइंट की जब बात करता हूं कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये डिफाइन है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। तो ये देखो ये पॉइंट सेम हो गए। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये आप सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल को खोलोगे तो वहां पर एक पैराग्राफ में लिखा होगा कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, व्यक्ति अगर ये ऑफेंस करता है तो उसके अंदर बेल मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल। तो ये था आज का अपना एक टॉपिक जो कंप्लीट है, डिफरेंस बिटवीन द बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। थैंक यू।